हाँ भैया, आज कितना बढ़िया दिन है। यही पागल है क्या तुझे? अपने को ऐसे पागलों की तरह आती रहती है जी। की आ जा मेरे पास। ओए ऑगी को खा लेगी तू। ओए ओए पागल बुढ़िया, ऑगी को खा लेगी तू। क्या क्या तूने मेरे ऑगी के साथ बता? मैंने तेरे ऑगी को एक श्राप दे दिया है। एक एड्रेस दे रही हूँ, इस एड्रेस पे पहुंच जाइयो। अगर तूने इस एड्रेस वाला घर पार कर लिया तो ऑगी बच जाएगा, लेकिन अगर तूने पार नहीं किया तो वहां पे हमेशा के लिए फंस जाएगा। मैं जा रही हूँ, हार जाइयो। ओए कहाँ लेगी ओगी को? ओए ओए ऐसा थोड़ी होता है। ओए भीख मांग रही है, मुझे लगता है उसने ओगी को श्राप दे दिया है। मैं शिनचैन की मदद ले लेता हूँ। शिनचैन, ये आवाज कैसी थी दोस्तों? ओए ये मेरी आवाज थी, मैं यहाँ हूँ। ओए ओए वो उस ग्रहणी ने ना क्या किया? ग्रहणी ने मुझे जल्दी से बताओ। तो क्या ग्रहणी ने मुझे जल्दी से बताओ। ओए ओए शांति रखो, मैं बताता हूँ। उस ग्रहणी ने ना ओगी को श्राप दे दिया है और एक घर में कैद किया है। एड्रेस मेरे पास है, हमें उस घर में जाना पड़ेगा। अगर हमने वो वाला घर पार कर लिया तो ओगी वापस नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अगर हमने वो वाला घर पार नहीं किया तो ओगी के साथ हम भी वहाँ पे हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। ओए जैक तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं बचा लूंगा ओगी को। जैक भैया हम भी आपके साथ हैं, हम भी ओगी को बचा लेंगे। चलो ग्रहणी के घर में चलते हैं। ओए तो चलो फिर, एड्रेस मेरे पास। ओए पता नहीं ये घर कैसा दिखता होगा। मुझे भी नहीं पता, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। अरे ये क्या, दीवारों का तो रंग ही बदल गया। ये कैसा कलर हो गया? मुझे नहीं पता, यहाँ पे तो दीवारों का कलर ही बदल गया। और दरवाजे में देखो ग्रहणी बनी हुई है। ओ ये क्या है, ये तो बड़ा अजीब सा है। लेकिन मुझे बड़ा मजा आ रहा है, आज के पार करने में बड़ा मजा आएगा। और लेकिन यहाँ पे ग्रहणी नहीं होगी, कौन होगा? ओए ये देख, यहाँ पे दादाजी होंगे और यहाँ पे ओगी होगा। यहाँ पे ओगी भी होगा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और यही तो, ग्रहणी ने उसको श्राप दे दिया है इसलिए अब यहाँ पे ओगी भी होगा। दोस्तों ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, मैं उसकी जान बचानी ही होगी। हाँ जी हाँ, सही कह रहा है। ये साइरन हेड पता नहीं क्या कहता रहता है। हाँ पता नहीं ये साइरन हेड क्या कहता रहता है। मैंने तो ये बुक शेल्फ खोल दी था कि अगर ग्रहणी पीछे आए तो हम जल्दी से उसमें छुप सकते हैं। बहुत बढ़िया चक्की, यहाँ पे तो मुझे डोर लॉक मिला, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि हमें तो हेलीकॉप्टर एस्केप करना है। भाई किसने कहा हेलीकॉप्टर एस्केप करना है? तो क्या मतलब हेलीकॉप्टर एस्केप नहीं करना क्या? अरे दादा आगे भागते भागते बताओ। हाँ जैक, हेलीकॉप्टर एस्केप क्यों नहीं करना? ओए ओए हेलीकॉप्टर एस्केप नहीं करना क्योंकि बुढ़िया के एड्रेस पे साफ साफ लिखा हुआ था कि ओगी का श्राप तभी ख़त्म होगा अगर हम उसके दरवाजे से भागेंगे, तो हमें डोर एस्केप करना होगा। तो डोर एस्केप करना है, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ओए वो तो मैं भूल ही गया था, मैंने कभी डोर एस्केप नहीं किया इसलिए मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। चक्की मैंने भी कभी डोर एस्केप नहीं किया इसलिए मुझे भी उसके बारे में नहीं पता। मैंने डोर एस्केप सिर्फ एक बार किया है, वो भी बहुत दिनों पहले। मुझे याद नहीं उसके लिए क्या चाहिए होता है। ये क्या मुझे वेपन की मिली, इससे हम उसको मार देंगे। ये साइरन हेड को दौरे क्यों पड़ते रहते हैं? हर थोड़ी देर में आवाजें निकालता रहता है, ये सबको क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ, एस्केप में ध्यान देते हैं। हाँ शिनचैन सही कह रहा है, एस्केप में ध्यान देते हैं। मैं जल्दी से देखता हूँ, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, नीचे कूद जाते हैं क्योंकि दादू आ रहा है। बहुत बढ़िया जियान, बहुत बढ़िया, एस्केप कराओ जल्दी से। मैं तो ये सोच रहा हूँ यहाँ पे ओगी की इतनी सारी तस्वीरें कैसे बनी, और मैंने देखा कुछ तस्वीरों में जैक भैया भी है। और मुझे क्या पता, ये ग्रहणी का पक्का कोई जादू होगा, काला जादू करती है वो। हे कौन वैसे कर रहा है? ये क्या ओगी आ गया? ओए ओगी को मत मारियो, मारना पड़ेगा। ओए मत मारियो, मारना पड़ेगा, ये ले ओगी। और तूने ओगी को क्यों मार दिया? अगर आपको ओगी की जान बचानी है तो हमें उसको मारना ही पड़ता, नहीं तो फिर हम बिना मारे एस्केप नहीं कर पाएंगे, तो हम भी ओगी के साथ यहाँ फंस जाएंगे। हाँ शिनचैन सही कह रहा है, मैं तो उस दादू को भी मार रहा हूँ। जल्दी से दादू से सिक्योरिटी की ले लेते हैं। और जल्दी से ले लो, लेकिन यार मुझे अच्छा नहीं लगा तूने ओगी को मारा। जैक भैया ज़्यादा स्टाइल मत मारो, अगर हम ओगी को नहीं मारते तो वो हमें एस्केप करने नहीं देता। वो सब छोड़ो, जल्दी से एस्केप में ध्यान देते हैं। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कुछ बचा तो नहीं है, यहाँ पे तो बोट की है, ये हमारे किसी काम की नहीं। हाँ जल्दी से सिक्योरिटी वाला दरवाज़ा खोलो। हाँ शिनचैन जल्दी से खोलो। मैंने खोल दिया, यहाँ पे देखता हूँ क्या है, यहाँ पे तो सेफ की है, इसका क्या करूँ? ओए सेफ की को नीचे फेंक दियो।
और शिनचैन उस सेफ की को यहाँ गड्ढे से नीचे फेंक दो। पहले देख लेता हूँ ड्रॉअर में कुछ है तो नहीं। ठीक है साइरनेट फेंक रहा हूँ। और साइरनेट आज के बाद ये आवाज़ें मत निकालियो। मुझे यहाँ पे रेंच मिला, इसका भी काम होता है। हाँ शिनचैन मुझे पता है इसका क्या काम होता है, जल्दी से इसका काम कर लो। देख लेता हूँ यहाँ पे कुछ पड़ा तो नहीं है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं पड़ा। वैसे ये घर कितना रंगीन हो गया है। हाँ शिनचैन पिछली बार जब मैं आया था यहाँ पे तो पूरी पालक जमी हुई थी। ओए मजाक छोड़ो, अब थोड़ी देर एस्केप में ध्यान देते हैं। जैक भैया सही कह रहे हैं, मैं जल्दी से इसका ये कर देता हूँ, ये लगता ही नहीं है। ओए उसके साइड में हो जाए तो बीच में क्या मार रहा था। सॉरी मुझे वो पता ही नहीं था। चलो अब उनके बच्चे को मारने का टाइम आ गया है। हाँ शिनचैन अब उस कीड़े को मारने का टाइम आ गया है, और ये काम तो मैं ही करूँगा, मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है। ठीक है, नहीं नहीं इस बार मैं करूँगा, और मैंने बोला ना मैं करूँगा। कोई बात नहीं चक भैया, आज चक्की को करने दो। ठीक है चक्की तू कर ले। थैंक यू। अरे कीड़ा तो मरा ही नहीं। वो लगता है सो रहा है, अच्छा निशाना मारो। क्या ये तो जिंदा हो गया, वो मेरा पीछा कर रहा है, मैं क्या करूं। ओए पीछे भाग जा, अब मारते आराम से निशाना। बहुत बढ़िया, मेरी तो जान ही निकल गई थी जब वो आया था। हाँ मेरी भी जान निकल गई थी। वहाँ पे तो क्रोबार पड़ा है, पहले यहाँ पे गन फेंक देते हैं फिर क्रोबार लेके आते हैं। ये किसकी लाशा हुआ है, मैं तो डर ही गया था। पता नहीं कौन था वो, हम अपना क्रोबार ले लेते हैं जल्दी से। और बहुत बढ़िया, जल्दी से क्रोबार लेके भागो, उस लाश पे फोकस मत करो, मैं भी डर गया था। चलो चलो क्रोबार का काम करते हैं। ये क्या है, ये देखो पियानो भी नीले रंगीन हो रखा है। दोस्तों इस घर में इतना रंग है कि मेरी आंखें रंगीन हो गई है। ओए बहुत बेकार जोक था। वो बक्सा कहें जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। शिनचैन वो वहाँ देखो ना जहाँ पे तुम स्पॉन होते हो, उस कमरे के सामने। सही बोले जैक भैया, यहीं पे है। ये क्या, इसके अंदर स्टनगन है। स्टनगन भी हमारे बहुत काम आएगी, मैं जल्दी से नीचे देख लेता हूँ क्या है। ये देखो दीवारों में तो ऑगी बना हुआ है, ये क्या इतना बड़ा ऑगी। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, चलो ऊपर चलते हैं। पर जल्दी से एस्केप कर ले, वैसे भी मैं ऑगी को इस हालत में देख नहीं पा रहा। मुझे लगता है वो रिस्पॉन हो गए होंगे। क्रोमार को फेंको, जल्दी से स्टनगन ले लो। हाँ शिनचैन स्टनगन ले लो, हाथ में सेफ्टी रहेगी। ओए लेकिन यार उसको झटके दोगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ तुम लोग यहाँ, मैं तुमको मार दूंगा। ये क्यों मुझे झटके दे रहे। देखा मैंने बोला था ना वो रिस्पॉन हो जाएंगे, और तूने उसको झटके दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। एक बच्चों जैसी बातें बंद कर, मैंने बुढ़े को भी मार दिया, अब हमारे पास और 2 मिनट हैं, काम से तो सामान ढूंढ सकते हैं बिना इनकी दखल अंदाजी के। जियान भैया साइरनेट भी आपकी बात से सहमत है, चलो अब मैं क्रोबार से जल्दी से ऊपर वाला वो बक्सा खोल देता हूँ। हाँ शिनचैन जल्दी से ऊपर वाला बक्सा खोलो, अब हम एस्केप करने ही वाले हैं, हमारे पास लगभग सारा सामान है। और हम इतने प्रो हैं, हम एक बार भी नहीं मरे। अरे देखो मैंने तो नोटिस ही नहीं किया, जमीन में कॉकरोच ही कॉकरोच है। मुझे कटिंग प्लायर मिला। कटिंग प्लायर्स को तो इस दीवार के पीछे काम आता है, ये वाली तार काटने में। इससे क्या होता है शिनचैन? इससे वो जो डोर है उसका एक लॉक हटता है, फिर तो ये हमारे काम का है क्योंकि हम डोर एस्केप ही कर रहे हैं। मुझे पता है, मैं जल्दी से ऊपर देख के आता हूँ, ऊपर कुछ सामान तो नहीं पड़ा। ऊपर क्या पड़ा होगा शिनचैन? ऊपर तो कुछ भी नहीं है, पहले मैं जल्दी से इस बक्से वाला खोल देता हूँ। और तू भी ना पागल है, फालतू में ऊपर चला गया। मुझे हैंडमिल मिला, इसका भी काम है। अब इसका क्या काम है शिनचैन? हैंडविल हमारे बहुत काम में आता है। बेसमेंट में एक डंडा होता है, हमें उस डंडे में ये हैंडविल लगाना होता है, और अगर हम उस डंडे में हैंडविल लगा के हैंडविल को घुमाएंगे तो जो मेन डोर है, देखो ये वाला डंडा मैं पहले लगा के घुमा देता हूँ। देखो मैंने घुमा दिया, अब जो मेन डोर है उसके सामने से एक केज हट जाएगा। और वो वाला केज वो मैंने देखा था, और ये देखो वो हट चुका है। शिनचैन इसका मतलब ये तो हमारे बहुत काम में आया, जल्दी से बाकी का काम भी कर लेते हैं। यहाँ पे सेफ की पड़ी है, मैं जल्दी से इसका काम कर लेता हूँ। मैं सेफ की के बारे में तो भूल ही गया था। मुझे याद था, जल्दी से देखते हैं सेफ में क्या है। और सेफ में तो कुछ अच्छा ही होना चाहिए। और ये क्या डोर हैंडल मिला, ये तो हमारे बहुत काम का है। इसके लिए क्या चाहिए, इसका मतलब हमें सिर्फ एक पैडलॉक की चाहिए, फिर हम एस्केप कर लेंगे। बहुत बढ़िया शिनचैन बहुत बढ़िया, अब हमें सिर्फ एक पैडलॉक की चाहिए, और मुझे आइडिया है वो कहाँ होगी। चक्की कहाँ होगी मुझे जल्दी से बता। हाँ चक्की जल्दी से बताओ कहाँ होगी वो। वो जो है वो ऊपर वाले कमरे में होगी, सबसे टॉप वाले में। तुम उसकी बात कर रहे हो जहाँ पे लाश निकलती है बक्से में से।
अच्छा तुम वो वाले कमरे की बात कर रहे हो, मैंने तो वो देख रखा है। उसके लिए हमें शॉटगन चाहिए होगी निशाना मारने के लिए। अरे तो चलो उसके कमरे में चलते हैं। रुको ऑगी आ रहा है। ए तुम लोग आओ, मैं तुमको मार दूंगा। तुम हमें मारेगा तो ये ले। ए मुझे मार दिया। दादू जी आप भी आ गए, आप भी लो। दोस्तों मेरे पास क्रोबार है, मैं जल्दी से इसके दरवाजे में से फट्टे हटा देता हूँ। बहुत बढ़िया जैक भैया, अब हमें एस्केप करने के लिए बस पैडलॉक की चाहिए और चक्की के हिसाब से तो वो ऊपर वाले कमरे में होगी। मैं जल्दी से स्टन गन ले लेता हूँ निशाना मारने के लिए और ऊपर चलता हूँ। मैं सायरन हेड भी कह रहा है कि उसको ऊपर लग रही है, अब मैं उसकी भाषा समझने लग गया हूँ। मैं भी उसकी भाषा समझने लग गया हूँ, जल्दी से ऊपर चलती हैं। अरे रुको, हम कटिंग प्लायर्स तो लाए ही नहीं। तो मैं क्या कहता हूँ स्टन गन फेंको, नीचे कूद के चलो कटिंग प्लायर्स आते हैं। ठीक है ऊपर क्या है, ऊपर तो कुछ भी नहीं है, मैं जल्दी से कटिंग प्लायर ले आता हूँ। ओए बहुत बढ़िया, ये वाला प्लान तो बहुत सही था चक्की तेरा। वो कहाँ है कटिंग प्लायर? वो तुमने यहाँ फेंका था शिनचैन, ये देखो ये रहा। बहुत बढ़िया जी हाँ, जल्दी से मैं इसको ऊपर ले चलता हूँ। जल्दी से ले चलो, और मुझे वो काम जल्दी से करना है। अब ये कटिंग प्लायर नीचे फेंको और वो स्टन गन उठा लो। ठीक है स्टन गन का है, ये रही स्टन गन। अब मैं जल्दी से स्टन गन से निशाना मारता हूँ। ओए सही निशाना मारियो। ठीक है ये लगा निशाना खुल गया ये। अब हमें बस कटिंग प्लायर से वो लोहे की चेन काटनी है। बहुत बढ़िया शिनचैन बहुत बढ़िया, अब तो हमारा एस्केप बस हो ही गया। पैडलॉक की मिल जाएगी, वो दरवाजे से वो खोल देंगे और फिर हैंडल से वो दरवाजा खोल के बाहर निकलेंगे। ये क्या इस बार बड़ी गंदी सी लाश निकली। अरे ये क्या, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ओए उस चीज़ के पीछे होगा, वो देख वो रास्ते में अड़ गई है। ये क्या, अब हम तो उस पर चल नहीं सकते। ओए लाश तो पागल है क्या, लाश तो गायब हो रही है। सुन चंद दो मिनट रुको, ये दरवाज़ा भी शायद रिस्पॉन हो जाए। चक्की शायद सही कह रहा है। हो गया ये रही पैडलॉक की। तो बहुत बढ़िया, हमें सारा सामान मिल गया, अब हमें बस दरवाज़ा खोल के बाहर निकलना है। हाँ जैक भैया आप सही कह रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी से, अरे ये क्या दादू ने मार दिया। ये क्या दादू तो मुझे वहाँ दिखे ही नहीं। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास और 3 दिन हैं, हमें बस पैडलॉक की लेनी है। तुम्हें याद तो है ना वो कहाँ गिरी है। जादू ने हमें जहाँ मारा है वहीं पे गिरी है। ओए बहुत बढ़िया, फिर जल्दी से चलते हैं, वो पैडलॉक की लेते हैं और एस्केप करते हैं। अरे होगी यहीं पे घूम रहा, जल्दी से चिंचन एम बोलो और उसको मार दो। ओए मत मारियो यार, मारना पड़ेगा जैक भैया। ए कब तक बचोगे। ये ले होगी, पता नहीं बीच बीच में आता है और मर जाता है। बुढ़ा भी आ रहा है। तो क्या बुढ़े को भी मार दूंगा, ये ले बुढ़े। सायरन क्या कह रहा है। ओए मुझे पता है सायरन हेड क्या कह रहा है, वो कह रहा है अब हमारे पास 2.5 मिनट है, जल्दी से पैडलॉक की लेते हैं और एस्केप करते हैं। अरे जैक भाई तू तो इसकी भाषा में बहुत प्रो हो गया है। हाँ जैक भैया आप तो सच में बहुत प्रो हो गए हो, आपको तो उसकी हर भाषा समझ आ जाती है। हाँ जैक भैया आपको उसकी हर बात समझ आ जाती है। ओए मैं इतना भी कुछ खास नहीं, जल्दी से पैडलॉक खोलते हैं। चलो अब एस्केप करते हैं। ये यस बस ऑगी मिल जाए। सायरन हेड गाना गा रहा था। ओए ऑगी होश में आ। ऑगी वापस आ गया। ऑगी वापस आ गया। हाँ भैया मेरे साथ क्या हुआ था। ओए बहुत लंबी कहानी है, घर चल सब बताता हूँ। दोस्तों ये जो हमने ऑगी वाला मॉड खेला था, ये हमें गेमिंग 4D के चैनल ने दिया था। इनके चैनल का लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और हाँ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।